नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फरवरी का महीना 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक की राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। दर्शकों, क्योंकि होता क्या है, अक्सर देखिए एक एक करके हमारे जीवन का पल बढ़ते चले जाते हैं, दिन महीने साल निकलते चले जाते हैं और हमारे मन में जिज्ञासाएं भी बढ़ती चली जाती है कि चलो ये महीना तो हमारे लिए जैसे तैसे निकल गया, आने वाला महीना हमारे लिए कैसा है, आने वाला साल हमारे लिए कैसा है या आने वाले दिन हमारे लिए कैसे है, ये जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। तो उसको केवल एक ही मात्र से दूर किया जा सकता है, वो है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम राशि के अनुसार जान सकते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में भी हम फरवरी के महीने के बारे में जानेंगे और आपकी इस जिज्ञासा को दूर करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है आने वाला फरवरी का महीना। और साथ ही साथ विशेष मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहता हूं, आप इसको भी ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि ये जो राशिफल होता है ये आपके चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष है, वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो ये जो आपको राशिफल सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये भी आपको उसी प्रकार सुनने को और देखने को मिलेगा आपके मून साइन के ऊपर बेस्ड। सन साइन के ऊपर बेस्ड प्रिडिक्शन ये नहीं होगी, तो आपको अपने मून साइन को कंसिडर जरूर करना है। तो आशा करता हूं आप सभी वीडियो में निरंतर बने रहेंगे और एक एक करके अपने राशि फल को भी सुनते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है, क्या स्थिति उनके लिए अच्छी है और क्या स्थिति उनके लिए खराब बन सकती है। तो आइए विस्तार से इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। अगर लगभग देखा जाए कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बेहतरीन महीना साबित होगा। देखिए, कुछ चेंजेस आपको जरूर दिखने वाले हैं फरवरी के महीने में, लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो चेंजेस आपके लिए लाभकारी चेंजेस है। कई बार क्या होता है, हम जीवन में बदलाव करते हैं या हमारे जीवन में चेंजेस होता है तो वो नेगेटिव भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है जो ग्रह स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है वो विशेष तौर पे लाभकारी स्थिति। इसमें जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो काफी पॉजिटिव चेंजेस होंगे। जैसे अगर आप बहुत लंबे समय से जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे तो यही वो महीना है जिसमें आपकी नौकरी बदलने के योग है। अगर आप बिजनेस में कुछ न्यू करना चाहते थे, मतलब आपका माइंड काफी टाइम से सोचे जा रहा था, न्यू आइडियाज आ रहे थे कि मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगी, तो यही वो महीना है जिसमें आपको इस तरीके के भी चेंजेस आप देख पाएंगे, मतलब उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। आपके जो माइंड की थॉट थी, जो आपका थिंकिंग थी, उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपने बिजनेस में। तो ये भी एक चीज आपके लिए अच्छी नजर आ रही है। ट्रैवलिंग विशेष तौर पे आपकी देखने को मिलेगी। देखिए, ऐसा कुछ स्थिति बन सकती है, कुछ एडवेंचरस, जैसे लोग माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, कुछ एडवेंचरस चीजें करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं और आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी भी रहेगा, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पार्टनर के साथ ट्यूनिंग आपकी खराब हो या ऐसा कोई दिक्कत हो, समय बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि देखिए, कई बार क्या होता है कि आप बहुत लंबे समय से जैसे सोच के चल रहे थे, कुछ चीजें आपकी खराब चल रही थी रिश्तों में, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ट्यूनिंग जो है अच्छी हो गई। देखिए, इस चीज को मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अच्छा है कि चेंजेस जो आए हैं वो अब पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उसका मतलब आपको फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मनी से रिलेटेड बहुत लाभ आपको होगा आपका, क्योंकि खुद का माइंडसेट जो है ना, देखिए जब इंसान का माइंड काम करता है तो वो विशेष तौर पे चीजों में लाभ प्राप्त कर पाता है, क्योंकि देखिए इंसान का दिमाग ही असल में सब कुछ चला रहा है, और अगर वो तेज चले या वो पॉजिटिव थिंकिंग करे या एक कह लीजिए अच्छे थॉट्स उसमें आए, तो निश्चित तौर पे इंसान पैसा भी अच्छा बना सकता है। आपकी वाणी आपके लिए विशेष तौर पे लाभकारी साबित होगी। आपकी वाणी से ही कई लोग आपसे इंप्रेस होंगे या आप कई लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही लाभकारी महीना है। ट्रैवलिंग परिवार के साथ भी होगी, पार्टनर के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। देखिए, कहीं भी कोई ऐसा तालमेल बिगड़ता हुआ, कम्युनिकेशन बिगड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। नौकरी में कुछ न्यू आपको मिल सकता है। हाँ, मकान वगैरह अगर आपको शिफ्ट करना था, कुछ नया खरीदना था,
किसी नई जगह पे शिफ्ट होना था, तो यही वो महीना है जिसमें आपकी रुकावटें दूर होंगी और आपकी शिफ्टिंग भी हो पाएगी। कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा समय है कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना। अब कुछ सामान्य टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। दुर्गा सप्शती का पाठ जरूर करना है आपने। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः, इस मंत्र का आपने जाप जरूर करना है। चार मुखी रुद्राक्ष का आपने प्रयोग करना है। चार मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। अंक 5 विशेष तौर पे आपके लिए शुभ रहेगा, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने हाथ के ऊपर यहाँ पे आप अंक 5 लिख सकते हैं, वो भी आपके लिए विशेष तौर पे लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के देखिए जो स्थिति नजर आ रही है वो आपके लिए काफी बेहतरीन, काफी लाभकारी स्थिति रहने वाली है। आपको चीजों को विशेष तौर पे एंजॉय करना चाहिए क्योंकि फरवरी का महीना है एंजॉयमेंट वाला। बस आपको अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करना है, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे जाएगा। तो ये जानकारी थी कन्या राशि की। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में, फरवरी के महीने की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं मैं दर्शकों, आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को, हमारे एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन जो नीचे आ रहा है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि उसको अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो ज्योतिष से संबंधित अन्य वीडियोस भी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चाहे सूर्य ग्रहण से संबंधित हो, चंद्र ग्रहण से संबंधित या कोई भी खगोलीय घटना ज्योतिष से संबंधित अगर होती है तो एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वो निरंतर मिलती रहेगी। तो आपको बस यही करना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।